तो आज अंकुर जी के साथ हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हम बात कर रहे हैं अंकुर जी पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल पहले जानिए पिवट टेबल क्या है क्यों है, उसके बाद हम पढ़ते हैं। पिवट टेबल को जानने से पहले हम ऑफिस में बनाए जाने वाले रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं कि ऑफिस में किस तरह की रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट किसको कहते हैं? अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट की अगर डिफिनेशन की बात करें तो रिपोर्ट इज द समरी ऑफ द डेटा। चाहे जो भी एनालिसिस करे, चाहे कोई भी कुछ भी करे, वो आपकी जो डेटा है, सेल्स रिपोर्ट बनाया तो सेल्स का डेटा, परफॉर्मेंस तो आपकी परफॉर्मेंस का डेटा, तो उसको समरी तो कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मंथली सेल्स दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, पर डे होने वाले सेल्स को मंथ में समराइज करेंगे। बाकी और चीजें भी की जा सकती है, लेकिन मेन जो होता है वो समरी ऑफ द डेटा, राइट। और डेटा क्या कहते हैं, क्लब ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेम अगर पिवट टेबल की डेफिनेशन देखा जाए तो पिवट टेबल का डेफिनेशन है कि वी यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। और ऐसा माना गया है कि आप ऑफिस के बनने वाले रिपोर्ट में डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट 80% रिपोर्ट में पिवट टेबल का योगदान हो सकता है या होता हो। पिवट टेबल लगाने से पहले आप एक बार डेटा को समझिएगा, आपका डेटा क्या है, और पिवट टेबल को थोड़ा सा स्लोली पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक सेल्स का डेटा, राइट, एक सेल्स का डेटा जिसमें एक दिन में कितनी ऑर्डर हुई, कितना सेल हुआ, टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितना हुई, कितना डिस्काउंट था, कितना प्रॉफिट था, टोटल सेल वैल्यू कितनी हुई, कौन से कैटेगरी का था प्रोडक्ट, सब कैटेगरी और कैटेगरी था, किस रीजन में बिका, किस टाइप ऑफ कस्टमर ने लिया और किस जोन में बिका, राइट। अब मुझे इस पे एनालिसिस करना है। बेसिकली मुझसे मांगा गया है जोन में, कि जोन के जोन वाइज लोगों ने पूछा है कि बताओ किस जोन में कितना टोटल क्वांटिटी सोल्ड हुआ, ठीक है। तो मान ले क्या किया कि मैंने पिवट टेबल लिया और यहाँ पे ओके कर दिया, मतलब कि डेटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, इंसर्ट पे जाइए। हालांकि एक रिकमेंडेड पिवट टेबल होता है जो कि डेटा को सिलेक्ट करके बताता है कि इसके ऊपर कितने तरह के पिवट बनाई जा सकती है। फिलहाल इसको हम नहीं बात करते हैं, बात करते हैं पिवट टेबल। पिवट टेबल पे क्लिक किया, देन ओके, आपके सामने नीचे एक नई शीट पे आ गई। अब देखिए ये जो दिख रहा है पिवट टेबल एरिया है, अब क्लिक करते हैं, साइड में जो दिख रहा था पॉपअप हट गया, लेकिन जैसे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे दो चीजें अपीयर होगा, पहला पिवट टेबल फिल लिस्ट और ऊपर जो आएगा दो नए टैब, पिवट टेबल एनालिसिस और डिजाइन, ठीक है। तो डेटा के ऊपर जो हमने लगाया ए, देखिए फील्ड जो फील्ड डेटा के अंदर थे सेम फील्ड आपको यहाँ पिवट टेबल में दिखे। तो इसे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी पिवट टेबल लगाइएगा ऊपर की जो हेडिंग है वो हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। सर ब्लैंक होगा तो यहाँ क्या दिखेगा, क्या कुछ नहीं सर, नहीं दिखेगा फील्ड वन फील्ड टू कभी कभी दिखता है, जैसे कि आपका जो एक्सटर्नल पिवट टेबल वगैरह होता है, तो फील्ड वन फील्ड टू से क्या समझेंगे आप, ओके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जोन रिपोर्ट। अब देखा डेटा में देखिए जोन कई बार रिपीटेड है ना, लेकिन जैसे ही मैं जोन को उठा के रखूंगा रो में, हाँ कैसे रखना, क्लिक कीजिए और क्लिक को होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ आ जाइए, और एक फील्ड आप एक ही बार रख सकते हैं, दो बार नहीं। यहाँ पे देखिए जोन जो है ना एक बार बन गया। अब इसको कॉलम में रखेंगे तो कॉलम वाइज आएगा, इसको हम रो में रखेंगे तो रो वाइज आएगा। अब मुझे टोटल क्वांटिटी को उठा के हमें रखना है वैल्यू। देखिए रो एंड कॉलम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू वाला जो होता है वो फील्ड रखाता है जिसमें कैलकुलेशन करना है, मतलब इसका टोटल चाहिए आपको, चाहे सम हो, काउंट, मिनिमम, एवरेज, कुछ भी चाहिए, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, वैल्यू। साइड में जो दिख रहा है एरो के निशान, उस पर क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाइएगा तो यहाँ आपको दिखेगा कैलकुलेशन, जो बाय डिफॉल्ट सम है ना, जो काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, जो करेंगे वही कैलकुलेशन यहाँ दिखेगा।
ये हमारा रिपोर्ट बन गया, ये आ गई टोटल हमारी। अभी चीज को निकाल, अगर पिवट टेबल ना लगाते तो आपको एक एक करके फिल्टर बाय फिल्टर बाय फिल्टर करके निकालना पड़ता ना इसको। इस रिपोर्ट से मुझे पता चल गया कि सेंट्रल में 38-60-60 का सेल है, ईस्ट में आपका 36-18-98 का सेल है, नॉर्थ में आपका 35-54-14 का सेल है क्या। अब क्वेश्चन आता है कि इंफॉर्मेशन से होगा क्या। अब मान लीजिए कि इस बार थोड़ा सा प्रोडक्शन की क्राइसिस चल रहा है, मतलब कि जो स्पीड से प्रोडक्शन हो रहा था उस स्पीड से प्रोडक्शन नहीं हो, समझ गए। अब मुझे जो भी प्रोडक्शन होगा उसको इन सबों के सारे जोन में अगर मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो दिक्कत होगा ना। मान लीजिए कि कोई जोन जो है वो मार्केट शेयर जो है 60% का मार्केट शेयर, उसको अगर हम मान लीजिए इक्वल कर देंगे तो उसमें तो सॉर्टेड हो जाएगा। अब किसी में 5% का मार्केट शेयर है उसको इक्वल दे देंगे तो पता चलेगा कि उसके पास तो स्टॉक रख बचा पकड़ा रह गया क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट करके इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें करेंगे, पाई चार्ट। पाई चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और डिजाइन पे जाता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स हैं जो दिख रहा है ना। अब इससे मुझे अपना मार्केट शेयर मिल गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अब यहाँ पे मार्केट शेयर तो है लेकिन इस पर ये नहीं है। एक बार करता हूँ, फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाता हूँ और यहाँ कैटेगरी नेम का ऑप्शन होता है, ठीक है, डाल देगा तो कैटेगरी नेम भी दिख जाएगा। तो कैटेगरी नेम भी यहाँ दिख गया कि भाई ईस्ट का वेस्ट हमारा कितना है, 21% है, सेंट्रल 21% है, साउथ 20%, नॉर्थ 19% और ईस्ट 19%। तो हम अपने जो प्रोडक्शन होगा उसको हम साउथ को 20% से भेज देंगे, वेस्ट को मैं 21% भेज दूंगा, सेंट्रल को 21% भेज दूंगा और 19-19% ईस्ट और नॉर्थ, समझ गए। अगर ये इंफॉर्मेशन मुझे ना मिलती तो हम इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर पाते ना, समझ गए। जैसे कोरोना वैक्सीन की ले लीजिए ना, कोरोना वैक्सीन की बात कर ले तो प्रोडक्ट सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन तो था भी क्या सर, और हमको और सरकार को हर स्टेट में माने कि कोरोना का वैक्सीनकरण जो है सेम स्पीड से चलाना था। अब पता चलेगा कि यूपी को हम भेज दिए 5 लाख डोज और हम दिल्ली को भेज देंगे 20 लाख डोज, पता चला कि दिल्ली में कम स्क्वायर ऑफ एरिया है, कम पॉपुलेशन है और आपका मुंबई में इसमें यूपी में ज्यादा स्क्वायर एरिया और ज्यादा पॉपुलेशन क्या दिक्कत हो जाएगी ना जी सर। तो सरकार ने क्या किया, उसने निकाला कि जिस एज का लगाना है 45 साल से उम्र वाले का एज ग्रुप का, उन्होंने क्या किया शेयरिंग निकाला कि किस कितना परसेंट इस एज ऑफ ग्रुप के किस किस सिटी में किस किस इसमें है स्टेट में, उसी हिसाब से जो प्रोडक्शन होंगे जो उनके पास आ रहे थे वैक्सीन उसी हिसाब से उन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज इसी तरह का स्लैब निकाला और डिस्ट्रिक्ट में भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रिक्ट वाले भी उन्होंने अपने एरिया और विलेज के हिसाब से इसी तरह से निकाला और उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे क्या हुआ कि ग्राउंड लेवल पे सेम स्पीड से हर स्टेट का वैक्सीन का स्पीड लगभग सेम ही था, समझ गया ना। दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का पावर यही होता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो फिर उसी के हिसाब से हम आगे की प्लानिंग करते हैं। जब एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव का काम का काम कोई प्रोडक्शन करना नहीं है ना कि सेल करना है, एमआईएस से कोई इनकम नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सामान बनाता है, परचेजिंग और सामान खरीद के लाता है, प्रोडक्शन उस पर प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जगह जगह वेयर हाउस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल्स टीम उसको सेल करता है,
लेकिन इन सबों के बीच में सामंजस्य मतलब कि संतुलन बनाने का काम एमआईएस टीम करता है, समझ गए? सो एमआईएस टीम क्या करता है कि पुराने रिकॉर्ड्स को निकालता है, उसकी एनालिसिस करता है, उसी के ऊपर वो अपना आगे का डिसीजन लेने के में सपोर्ट देता है टीम को। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है, इसने प्रीवियस सेल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने मार्केट शेयर निकाला, अब प्रोडक्शन टीम इसी मार्केट शेयर को बेस मानते हुए अपने प्रोडक्शन का इतना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ओवरऑल जोन वाइज हुआ, अब हर जोन जो है इसी तरह से अपना अपने एरिया वाइज निकालेगा, हर एरिया अपने स्टॉक अपने अपने दुकानदार के हिसाब से निकालेगा, समझे? अब पिवट टेबल, इसलिए ये चीज पिवट टेबल से आसानी होती है। हम थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स पे चले गए थे, फिर वापस आते हैं पिवट पे, ठीक है? अब जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया, हमने यहाँ विजुलाइजेशन तैयार कर लिया, अब इसमें आता है रो लेवल, दिख रहा है रो लेवल? लेकिन यहाँ पे जोन होना चाहिए था, आप यहाँ पे जोन टाइप कर सकते हैं, ठीक है? सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे आप टोटल क्वांटिटी टाइप कर सकते हैं, मतलब कि आप जो है हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसी भी इसको चेंज किसको नहीं कर सकते, वैल्यू जो फिगर कैलकुलेट हो के आई है ना उसको चेंज नहीं कर सकते, उसकी भी फॉर्मेटिंग अगर आप आसानी से जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं वो फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी फॉर्मेटिंग पिवट का पार्ट नहीं होती, सेल को फॉर्मेट करता है ना कि पिवट को फॉर्मेट करता है। अभी डेटा 9 तक है, कल के डेट में बढ़ के अगर 15 तक आ जाएगा तो क्या लग रहा है, फॉर्मेटिंग 15 तक प्रिजर्व होगी, है ना? नहीं होगी। बताइए। इसीलिए अगर पिवट टेबल में फॉर्मेटिंग करते हैं तो पिवट टेबल पर क्लिक करते ऊपर आपको क्या दिखेगा, डिजाइन, डिजाइन में जाइए, यहाँ पे पिवट टेबल के बने बनाए फॉर्मेट्स हैं जो कि पार्ट ऑफ पिवट में जाते हैं, जी सर, उसका इस्तेमाल आप कर सकते, ठीक है सर। ठीक है? पहले चीज समझ में आया। अब इसमें अब मुझे मान लीजिए रिपोर्ट भेजना है तो क्या मुझे पूरा का पूरा फाइल भेजना होगा? देखिए रिमेम्बर, अगर फाइल भेजते हैं तो फाइल के साथ डेटा भी जाता है, लेकिन फाइल और डेटा दोनों डालने में काफी बड़ा हो जाता है, मुझे सिर्फ रिपोर्ट से मतलब है, तो मैंने इस रिपोर्ट को क्या किया, मूव एंड कॉपी कर दिया। और मूव अगर मैं यहाँ क्रिएट कॉपी करूंगा, हाँ हेलो, कल कल पीएम कॉल था, तो अगर क्रिएट कॉपी पे कर देते हैं तो इसकी कॉपी बन के जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ न्यू वर्कबुक में मूव, इस पे क्लिक ना करता हूँ तो ये सेम सीट मूव होके एक नई फाइल पे चली जाती है जिसमें डेटा नहीं होता। अब इसको मैं आसानी से किसी को मेल करूँ, अब मेल करने से मैं समझिए कि वो डेटा नहीं निकाल पाए, डेटा निकाल पाएगा कैसे, जस्ट इस पे डबल क्लिक करेगा और एक नई शीट में पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसका जिस फिल्टर पे क्लिक करें, किस पे किया था मैंने, सेंट्रल पे, तो देखिए सेंट्रल जोन का पूरा डेटा एक नई शीट पे कॉपी होके पेस्ट, ठीक है सर? तो जी सर, इसको आप आसानी से किसी को मेल कर, तो पिवट टेबल का मोटिव समझ में आ गया क्या करता है जी सर, विदाउट इसमें। तो पिवट टेबल जो है मैंने बताया कि ये आपकी डेटा को समराइज करता है, और मैंने बोला कि पिवट टेबल को थोड़ा सा स्लो पढ़ना है और प्रैक्टिस करते समय पढ़ना है, तो ये फाइल मैं जी सर, आपको भेज रहा हूँ, तो आपको करने हैं दो काम। पहला काम, जो फाइल मैं भेज रहा हूँ इस फाइल के ऊपर कम से कम 10 पिवट टेबल बना के आप मुझे देंगे, ठीक है सर, ठीक है? जी सर, और दूसरा, जो रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजे हैं उस रिकॉर्डिंग को आप एक बार
सबको देख लेंगे ताकि पिवट टेबल के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर कल हम डेटा समराइजेशन में हम बात करेंगे कि मेरे पास मल्टी ए समराइजेशन हो, मैं अलग अलग तरह के समराइजेशन हो तो कैसे करेंगे, वो हम आपके कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ई में होगा शायद। हाँ।